हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो एट्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, द रेनफॉल इन एमएम यानी कि मिलीमीटर इन अ सिटी ऑन 7 डेज ऑफ अ सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। यहाँ पर इस टेबल में स्टूडेंट्स हमें किसी जगह की 7 डेज की रेनफॉल बताई गई है कि कितनी है। देखिए, जैसे मंडे को रेनफॉल कितनी हुई 0.0 mm, ट्यूसडे को कितनी हुई 12.2 mm, वेडनेसडे को 2.1 mm यानी कि मिलीमीटर, थर्सडे को कितनी रेन हुई 0.0 यानी रेन नहीं हुई, फ्राइडे को कितनी रेन हुई 20.5 mm, सैटरडे को रेन हुई 5.5 mm और संडे को रेन हुई 1.0 mm। अब इसी डाटा से रिलेटेड हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। हम वन बाय वन इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा। हमें यहाँ पर जो डाटा गिवन है हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? रेंज निकालने के लिए हम हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से माइनस करते हैं लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को। तो इस डाटा में अगर आप चेक करेंगे तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन आपको दिखेगी 20.5। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू है 20.5 और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या है 0.0 यानी सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0.0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। अब ये रेंज यहाँ पर एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन की जगह पर इस डाटा में जो हाईएस्ट वैल्यू है 20.5 उसको हमने यहाँ पर लिखा, माइनस का साइन एज इट इज आया। लोएस्ट ऑब्जर्वेशन की जगह यहाँ पर हमने लिखा 0.0 जो इस डाटा की सबसे छोटी वैल्यू है। और जब आप 20.5 में से माइनस करेंगे 0.0 का तो आपको आंसर मिलेगा 20.5। तो इस डाटा की जो रेंज आ गई है वो रेंज है 20.5 mm यानी कि 20.5 मिलीमीटर। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। हमें जो ये डाटा गिवन है रेनफॉल का, हमें इसका मीन फाइंड करना है। मीन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? मीन निकालने का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ये मीन यहाँ पर हमने एज इट इज लिखा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आ गया। यहाँ न्यूमरेटर में हम सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देंगे क्योंकि न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखिए यहाँ पर कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो अपॉन में हमने लिखा 7। जब आप इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा 41.3। तो यहाँ न्यूमरेटर में हमने लिखा है 41.3, अपॉन में 7 है, ये अपॉन में 7 यहाँ पर एज इट इज आएगा। यहाँ पर हमने आपको इन सब ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके भी दिखाया है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप डेसिमल वाले नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हैं। अब हमें 41.3 को डिवाइड करना है 7 से, तो अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने यहाँ न्यूमरेटर से ये डेसिमल हटा दिया। अब चेक कीजिए कि राइट से अगर आप देखें तो कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है, राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल है। तो जब राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है स्टूडेंट्स और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 0 आ जाता है, तो अपॉन में जो 7 था उसके साथ ये 0 लग गया। अब ये क्या बन गया, 70। अब ये 413 और 70 आपस में सॉल्व किए जा सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही नंबर 7 के टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 7 से काटेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, 7 × 10 = 70, ठीक है। अब हम 413 को भी 7 से काटते हैं, 7 × 5 = 35, 41 में से 35 गया, क्या बचा 6, 6 × 3 = 63, 7 × 9 = 63 होता है। तो 413 भी 7 से कट गया, 70 भी 7 से कट गया। अब हमें क्या मिला है, 59/10। तो यहां पर हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू 59/10। अब हम 59 को डिवाइड करेंगे 10 से। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर डिनोमिनेटर में एक जीरो है और जब आप डिनोमिनेटर से एक जीरो हटाते हैं
तो न्यूमरेटर में जहाँ डेसिमल होता है वहाँ से वो डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो न्यूमरेटर में तो कहीं डेसिमल दिख नहीं रहा, तो जब डेसिमल कहीं नहीं होता तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है। तो जब आप डिनोमिनेटर से एक जीरो हटाएंगे तो डेसिमल यहाँ से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो देखिए अब हमें फाइनली क्या आंसर मिल गया है, 5.9। यानी जब हमने 59 को 10 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला 5.9। अब हम फाइनली लिख सकते हैं, हैंस द मीन रेनफॉल फॉर द वीक इज 5.9 mm। यानी कि हमें जो डाटा दिया गया था उसका मीन 5.9 mm है। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स, ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। यानी इन 7 days में कितने दिन ऐसा हुआ कि जो रेनफॉल है वो मीन रेनफॉल से भी कम है। मीन रेनफॉल आई है स्टूडेंट्स 5.9 mm। अब हम चेक करते हैं कि इस एक हफ्ते में कितनी बार ऐसा हुआ कि रेनफॉल मीन रेनफॉल से भी कम है। देखिए मंडे को रेनफॉल है 0.0, तो ये भी मीन रेनफॉल से कम है। उसके बाद वेडनेसडे को देखिए, रेनफॉल है 2.1 mm, ये भी मीन रेनफॉल से कम है। तो अभी तक 2 बार ऐसा हो चुका है। फिर थर्सडे को रेनफॉल है 0.0 mm, यानी कि थर्सडे को भी जो रेनफॉल है वो मीन रेनफॉल से कम है। तो 3 दिन ऐसा हो चुका है। अब सैटरडे को देखिए, रेनफॉल है 5.5 mm, यानी कि सैटरडे को भी जो रेनफॉल है वो मेन रेनफॉल से कम है। तो 4 दिन ऐसा हो चुका है। और फिर संडे को देखिए, रेनफॉल है 1.0 mm, यानी संडे को भी जो रेनफॉल है वो मेन रेनफॉल से कम है। तो 5 दिन ऐसा हुआ स्टूडेंट्स जब रेनफॉल मेन रेनफॉल से भी कम रही है। तो थर्ड पार्ट के आंसर में हम लिखेंगे 5 days, क्योंकि 5 दिन ऐसे रहे हैं जब रेनफॉल मीन रेनफॉल से भी कम है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।